साथियों, कर्नाटका उस महान परंपरा का वाहक है जो देश की एकता और अखंडता के लिए अपना सब कुछ बलिदान करना सिखाता है। यहां सुत्तूर मठ के संतों की परंपरा है, राष्ट्र कवि कुवेंपु के एकता के स्वर है, फील्ड मार्शल करियप्पा का गौरव है और मैसूर के राजा कृष्णराज वाड़िया के द्वारा किए गए विकास कार्य आज भी देश के लिए एक प्रेरणा है। ये वो धरती है जहां कोड़कों की माताएं अपने बच्चों को राष्ट्र सेवा के लिए सेना में भेजने के सपना देखती है। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी भी है। कांग्रेस पार्टी आज टुकड़े टुकड़े गैंग की सुल्तान बनकर घूम रही है, देश को बांटने तोड़ने और कमजोर करने के कांग्रेस पार्टी के खतरनाक इरादे आज भी वैसे ही है। आर्टिकल 370 के सवाल पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि कश्मीर का दूसरे राज्यों से क्या संबंध, और अब तो कांग्रेस देश से घृणा की सारी परंपरा सीमाएं पार कर चुकी है। कर्नाटका की जनता साक्षी है कि जो भारत के खिलाफ बोलता है कांग्रेस उसे पुरस्कार में चुनाव का टिकट दे देती है। और आपने हाल में एक और दृश्य देखा होगा, कांग्रेस की चुनावी रैली में एक व्यक्ति ने भारत माता की जय के नारे लगवाए। इसके लिए उसे मंच पर बैठे नेताओं से परमिशन लेनी पड़ी। क्या भारत माता की जय बोलने के लिए परमिशन लेनी पड़े? ऐसी कांग्रेस को देश माफ करेगा? ऐसी कांग्रेस को कर्नाटक माफ करेगा? ऐसी कांग्रेस को मैसूर माफ करेगा? पहले वंदे मातरम का विरोध और अब भारत माता की जय कहने तक से चीड़, ये कांग्रेस के पतन की पराकाष्ठा है।